मम्मी मुझे लगता है हमें डॉक्टर को बुलाने में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। नहीं भाईजान, आपको याद है ना तन्वी डॉक्टर्स को देख के कैसे घबरा जाती है, पर डॉक्टर्स आ गए तो उनकी तबीयत और भी बिगड़ सकती है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जख्म ज्यादा गहरा नहीं है, मलहम से ठीक हो जाएंगे। मैं इसके लिए हल्दी वाला दूध बनाकर लेकर आती हूँ। चलो नजमा, जोया तुम चंदन का लेप बनाने में मेरी मदद करोगी? चलो। फूफी सुनिए ना, फूफी आपने तनवीर के जख्म देखे? ये चोट उसे कैसे लगी होगी? हो सकता अंधेरे में फिसल कर गिर गई हो, और क्या? नहीं फूफी, फिसल के गिरने से ऐसी चोट कैसे लग सकती है? जख्मों को देखने पर ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने उस पे वार किया हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कैसे हुआ ये सब? हम अंधेरे में गिर गए थे। तो देखो, ये तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ, सकुन जमीन पर गिरने से नहीं हुआ। कैसे हुआ ये? हम सच कह रहे हैं जमी, ऐसे ही हुआ था। तुम इतनी डरी हुई क्यों? ये खौफ जमीन पर गिरने का नहीं, क्या हुआ था सच बता। जमी, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते, प्लीज। क्यों नहीं तनु, तुम इतना डर क्यों रही? किसी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है ना? कौन है वो? हमने आपसे कहा ना जमी, कि हमसे और कुछ मत पूछ। हम जानते हैं आपने अपने गुजरे हुए कल के बारे में आज तक किसी से कुछ नहीं कहा। खुदा रहा हमसे हमारे गुजरे हुए कल के पन्ने पलटने पर मजबूर मत कीजिए। तो ना तुम मुझे भी नहीं बता सकती। पहले मैं ये कागजात पढ़ना चाहता हूँ।
किसी भी तरह इस निकाहनामे पर अयान और हुमैरा के दस्तखत लेने ही होंगे। उसके बाद ही मैं दस्तखत करूंगा। बस मैं जल्द से जल्द भिजवा रही हूँ पेपर। नहीं नहीं, ऐसे कैसे सौदा कैंसिल जी, बस जी करवा रही हूँ जी। जी आप फिक्र ना करें, बस भिजवा रही हूँ जी। जी अयान बेटा, तुम्हारे मामू का फोन था, वो इंतजार कर रहे हैं इन पेपर्स के लिए। वो कह रहे हैं कि अगर देर हुई तो वो लोग ये सौदा कैंसिल कर देंगे। जल्दी से कर दो ना। देखो अगर अगर ये सौदा कैंसिल हुआ तो तुम्हारे अब्बू, उनको भी बहुत नुकसान हो जाएगा। ये अंगूठा भी लगा। कपल इनको देख के यकीन होता है कि दुनिया में आज भी मोहब्बत जिंदा है। किसी ने लिखा है कि काश ये लड़का मुझे रिंग पहनाता। भाईजान इजंट इट अमेजिंग, आप दोनों की पहली और असली सगाई, एंड नाउ वी हैव द पिक्चर्स टू। वाओ, यू नो अम्मी ने और मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इन मोमेंट्स को देख पाएंगे, बट आई एम ग्लैड सीरियसली। आप दोनों की आंखों में कितना प्यार दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आप सारी दुनिया के सामने अपने प्यार का ऐलान कर रहे हैं। ऐलान तो कर रहे हैं, और मुझे पता है कि कुछ लोग ये ऐलान जरूर सुनना चाहेंगे। और मुझे ये भी पता है कि ये तस्वीर किसे दिखानी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।